नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हमारे साथ जो खास मेहमान है इनका नाम प्रभात कुमार सिंह है। प्रभात कुमार सिंह जन सुराज जो प्रशांत किशोर जी की एक बड़ी मुहिम है उसमें एक बड़े ओहदे पे हैं और इनका जो बैकग्राउंड है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। देश में कई लंबी लंबी पदयात्राओं के साक्षी रहे हैं, योगेंद्र यादव के साथ काम किया है और कई बड़े जन आंदोलनों में बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। मधुबनी के रहने वाले हैं और बिहार में बड़े बदलाव की जो कहानी लिखी जा रही है उसमें एक सुनहरा पन्ना भी है। बिहार के ऐसे युवा जो राजनीति में आने को उत्सुक हैं और जिन्हें लगता है कि उनका कोई गॉडफादर राजनीति में नहीं है, राजनीति चंद लोगों के हाथों में कैद है, नेता का बेटा ही नेता बनेगा, बाहुबली पैसे वाले लोग और पहुंच वाले लोग टिकट खरीद कर राजनीति की विषाद पर शतरंज की भांति जनता को मोहरा बनाते रहेंगे, तो ऐसी ही चीजों को तोड़ने के लिए जनसुराज बना है। हमारे साथ प्रभात कुमार सिंह जी हैं और अब चूंकि प्रशांत किशोर जी की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है 2 अक्टूबर से, उसके बाद हम इनसे मिले हैं और जानते हैं कि ये यात्रा क्यों है, प्रशांत किशोर जी की विचारधारा जो है जिसको लेकर लोगों में ये उत्सुकता थी कि 2 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ होगी नहीं होगी। अब चूंकि यात्रा प्रारंभ हो गई है और जिस तरह से जो भीड़ की अपेक्षा थी उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आ गई है, लोग स्वतः जुड़ते जा रहे हैं, प्रभात जी ये जो 2 अक्टूबर से यात्रा शुरू हुई है और जिस तरह से भीड़ बढ़ते जा रही है इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले जैसे कि पहले से ही अपेक्षित था कि लोग जो जिस मुहिम में लोग जुड़ने लगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये किसी प्रशांत किशोर का, प्रभात का या बहुत सारे ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं उनका बदलाव नहीं, उनको लगता है ये मेरा बदलाव है और हमारे बदलाव के लिए कोई व्यक्ति अगर इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इतना बड़ा यात्रा को शुरुआत किया है, तो इस यात्रा में नहीं जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे। तो इसलिए ये जो बदलाव आ रहा है ये उन लोगों की समझ है। और जैसा कि देखिए, आप हमेशा मीडिया वगैरह में देखते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा चीज करते हैं कि प्रशांत जी कभी लेफ्ट हो जाएंगे, कभी राइट हो जाएंगे, कभी कुछ भी, वो कुछ भी चलाते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो लोग धीरे धीरे समझने लग गए हैं, क्योंकि देखिए आपको टाइम थोड़ा लगेगा, आप ऐसा नहीं है कि आपने आया कोई चीज बोला तो ठीक है, पब्लिक भी थोड़ा वेट करती है, समझती है, लेकिन वो ये देख रही है कि उन्होंने 2 मई को एक ट्वीट किया कि हम इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे और 2 अक्टूबर से हम पदयात्रा करेंगे और बिना रुके हुए करेंगे, जहां पे शाम होगी उसी गांव में रुकेंगे और फिर हम नेक्स्ट डे सुबह में वहीं से चलेंगे। वो day 1 से बोलते हुए आ रहे हैं और जो बोलते हुए आ रहे हैं 2 मई से वो कंटिन्यू उसी तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे और 2 अक्टूबर से हम पदयात्रा करेंगे और बिना रुके हुए करेंगे, जहां पे शाम होगी उसी गांव में रुकेंगे और फिर हम नेक्स्ट डे सुबह में वहीं से चलेंगे। वो day 1 से बोलते हुए आ रहे हैं और जो बोलते हुए आ रहे हैं 2 मई से वो कंटिन्यू उसी तरीके से कर रहे हैं और उसी तरीके से आगे बढ़ रही यात्रा। तो जैसे जैसे ये टाइम बीतता जा रहा है लोगों को ये क्लिक हो रहा है कि नहीं नहीं भैया, कोई ऐसा नहीं आदमी आया कि ट्वीट किया या भाषण देके चला गया, कोई नेता वाला स्किल नहीं है, ये एक आम आदमी की स्किल है, जो आदमी बोलता है वो कर रहा है। तो इसी को देखते हुए लोग जो है वो भीड़ इकट्ठा होती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, लोग उसमें इच्छा जाहिर कर रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत के तौर पे हम देख रहे हैं, आने वाला वक्त और चेंज होने वाला है। ये बड़ा सवाल है कि जब ये यात्रा प्रारंभ होनी थी उसके पहले नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर जी की मुलाकात हुई, मीडिया के एक बड़े वर्ग द्वारा ये अफवाह फैलाया गया कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो यात्रा नहीं शुरू करेंगे, पहले जदयू के लोग कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर, फिर खुद नीतीश कुमार जी ने व्यक्तिगत मुलाकात पर जिस तरह से माहौल कायम कर दिया कि लगे कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में कोई गुप्त बैठक हो गई है, फिर प्रशांत किशोर जी सामने आए, उन्होंने कहा कि किसी से भी निजी मुलाकात को उसके किसी भी विचारधारा से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि सभी सवालों का जवाब 2 अक्टूबर को जो यात्रा प्रारंभ हुई है उसमें उमड़ी भीड़ ने दे दिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए कौन क्या बोल रहा है, जेडीयू कौन बोल रहा है, आरजेडी कौन बोल रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या बोली है, उस पर हमारा कोई विशेष ध्यान नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग निकले हैं उस काम में हमें लग रहा था कि थोड़ा सा ये है कि लोगों का किस तरीके से समर्थन आएगा, लेकिन यहाँ की जनता इतनी जागरूक है और जिस तरीके से अपना समर्पण दिखा रही है जन सुराज के प्रति, इस चेंज के प्रति, वो आने वाला टाइम मुझे लगता है ये बहुत आगे निकल जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब शुरुआत हुई थी, जब ये किया था कि 2 अक्टूबर से
हम यात्रा शुरू करेंगे, तो लोगों का ये कहना था वो मतलब इग्नोर कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने एक बात बोली है, वो ये कि जब आप कोई काम करते हैं तो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते हैं, फिर आप पे हंसते हैं, और फिर आपसे लड़ाई करेंगे, और जब वो लड़ाई करेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो जब हमने 2 मई से शुरुआत किया कि भैया 2 अक्टूबर से हम लोग यात्रा करेंगे, तो लोग अनदेखा इग्नोर किया। उसके बाद जब हम 2 अक्टूबर से आरंभ किया यात्रा, तो लोग जो है हंसने शुरू कर दिए कि अच्छा ठीक है, देखते हैं भैया कितना देर, और अब लड़ाई वाली सुराज, क्योंकि यात्रा इतनी धमाकेदार हो रही है कि सभी राजनीतिक दल जो बिहार का सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, वो तो कहीं ना कहीं उसके मन में अब संशय हो गया है कि 2025 की जो तैयारी है कहीं 2024 में ही बड़ा खेला ना हो जाए। आपको क्या लगता है कि जो लोगों का विश्वास जन सुराज के प्रति उमड़ा है, इसको अब राजनीतिक रूप से आकार लेना चाहिए? देखिए, जैसा कि 2 अक्टूबर से पहले भी और 2 अक्टूबर को भी बोला गया है, सेम चीज है। ये पहले ही बताया गया है कि ये तो एक सोच है, एक मुहिम चल रही है। यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जब हमारी यात्रा खत्म होगी तो ये निर्णय उन लोगों का है, ये यहाँ पे कोई प्रशांत जी का निर्णय नहीं है या किसी भी व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति का नहीं है। तो ये तो वही लोग तय करेंगे कि ये सही में क्या पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत है या नहीं है। अगर सब लोग बोलते हैं तो जरूर बनेगा, और जब पार्टी बनेगी तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आखिरी सवाल, बिहार की जनता ने जिस तरह से आप लोगों का साथ दिया है, ऐसी अपेक्षा थी कि मन में संशय था कि इतनी भीड़ नहीं आएगी? नहीं, अपेक्षा तो हमेशा था, ऐसा नहीं था कि भीड़ नहीं आएगी, लेकिन कई कबाल क्या होता है कि आप देखिए कि 75 से लेके अभी तक तो कोई इस तरह का आंदोलन हुआ नहीं, लोग जुड़े नहीं उस तरीके से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में ये था कि पता नहीं ये पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार लोग ठगे गए हैं, तो ऐसा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए अब नहीं लगता है कि अब किसी के मन में कोई ऐसा संशय है। अब पूरा बिहार सब लोग एकत्रित होके बदलाव के लिए कमर कस चुका है। यह है प्रभात कुमार सिंह, और इनका मानना है कि जन सुराज बिहार के लोगों का अभियान है, बिहार के आम आदमी का अभियान है, बिहार के उस किसान का अभियान है जो साल भर खेतों में काम करता है लेकिन 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, उस युवा का अभियान है जो पढ़ाई तो करता है पर उसे रोजगार नहीं मिलता, ये उस पलायन का अभियान है जो प्रतिवर्ष जनसेवा जैसी ट्रेनों में लाद लाद कर पंजाब जैसे प्रदेशों में जाकर खुशहाली लाती है और घर यहाँ वीरान हो जाते हैं। ये अभियान उनका है जो थक चुके हैं, हार चुके हैं और जिन्हें अब किसी बड़े बदलाव की आशा नहीं थी। ये अभियान उनका भी है जो लोग ये सोचते हैं कि कोई जादू की छड़ी आएगी और बिहार में बड़ा बदलाव कर देगी, पर हर बार ठगे जाते हैं। इस तरह के अभियान को इतना बड़ा जन समर्थन मिलना इस बात की ओर जरूर इंगित करता है कि लोगों की सोई हुई संवेदनाओं को प्रशांत किशोर और उनकी टीम जगाने में सफल हुई। अब यह देखना दिगर होगा कि यात्रा जैसे जैसे बिहार के अन्य प्रखंडों में जाएगी किस तरह से यह विस्तार लेते जाएगी। प्रभात कुमार सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।